Hello everyone. So today in this video, we're gonna discuss about direct speech and indirect speech. As you have seen my previous video, उसमें हमने discuss किया था कि direct speech को जब हम indirect speech में convert करते हैं, तो हमारे में सब जो हमारा sentence है, उसमें क्या basic differences आते हैं? Direct और indirect में main differences क्या है कि direct में क्या-क्या points को हम remember करना पड़ता है और indirect की जब हम बात करते हैं, तो हमें किन-किन points को अपने mind में रखना पड़ता है कि जिन्हें हम use करके दोनों को एक दूसरे में convert कर सके। जब हम direct की बात करते हैं, आपको बताया किसी ने हमें sentence बताया है, हमने उसे as it is बता दिया। हमने किसी ने हमें सेंटेंस बोला कि आपको बताया था कि मिस्टर देव सेड दैट आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, तो अगर वो सेंटेंस उन्होंने बोला है तो एज इट इज है और वो डायरेक्ट स्पीच में है। बट अगर मुझे वही सेंटेंस किसी तीसरे पर्सन को बताना है, तो मैं उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके बताऊंगी कि मिस्टर देव ने कहा कि वो मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बेसिक डिफरेंसेस हमने लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का ही सेकंड पार्ट है। वी विल डिस्कस द पॉइंट्स द रूल्स फ्रॉम दैट प्रीवियस वीडियो। सो हम आज डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स जो कि जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तब बेसिकली किस चीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। लाइक हमारे मोडाल्स जब एक सेंटेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा कोई एक मोडाल यूज हो रहा है, तब अगर हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम किसकी जगह क्या लिखेंगे। अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तब हम अपने डायरेक्ट सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। वी गोना डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट हम बात करते हैं मोडाल्स की। जब भी मोडाल्स की बात की जाती है, आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा जिसमें हमने मोडाल्स को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उनके डिफरेंसेस की हर मोडाल को एक्सप्लेन किया हुआ है काफी अच्छे से। तो अगर आपको मोडाल्स के बारे में नहीं पता है कि मोडाल्स क्या होते हैं, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑफ मोडाल्स। तो हम मोडाल्स की जब बात करते हैं, तो अगर हमें डायरेक्ट को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, तो जब भी हम अपने डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, उसमें हमें मोडाल गिवन होंगे कुछ, लेकिन जब हम उन्हें इनडायरेक्ट में यूज करेंगे, तो हम उन मोडाल्स को चेंज करके यूज करेंगे। तो हम देखते हैं, आपको पता है सबको कि हमारे मोडाल्स होते हैं ये कैन, मस्ट, शैल, मे, विल, माइट, ये सारे हमारे क्या हैं, मोडाल्स। लेकिन जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में, हम पास्ट में यूज करेंगे, तब हम इनकी फॉर्म को चेंज करेंगे। तो डिस्कस करते हैं क्या हमारा जो कैन है वो चेंज होगा हमारा कुड में, कैन हमारा कुड में चेंज होगा, मस्ट हमारा हैड टू में चेंज होगा। जब भी मस्ट लगेगा डायरेक्ट स्पीच में, तब हम इनडायरेक्ट में जब उसे कन्वर्ट करेंगे, तब हम वहां पर हैड टू का यूज करेंगे। शैल हमारा कन्वर्ट होगा शुड में, मे हमारा कन्वर्ट होगा माइट में, और विल हमारा कन्वर्ट होगा वुड में। अब माइट है, माइट भी हमारा मोडाल है, तो माइट जहां पर होगा वहां पर हमारा माइट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपको मैंने बताया कैन हमेशा चेंज होगा कुड में, मस्ट चेंज होगा हमारा हैड टू में, शैल हमारा शुड में, मे विल बी चेंज्ड इन माइट, विल बी चेंज्ड इन वुड, एंड माइट हमारा माइट ही रहेगा, माइट हमारा चेंज नहीं होगा। सो हम इसे एक एग्जांपल से क्लियरली समझते हैं, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट इट विद एग्जांपल। हमने एग्जांपल लिखा है यहां पर डायरेक्ट स्पीच का, हमने एग्जांपल लिखा ही सेड, उसने कहा I must have a computer to teach English online. कि मेरे पास एक कंप्यूटर अवश्य, जरूरी, मस्ट लगा रखा है उसने आपको, मैंने आपको डिफरेंस बताया है
शुड में और मस्ट में अब वो वीडियो चेक कीजिए जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट मस्ट शुड एंड ऑट टू की डिटेल्स हैं. आपको डिफरेंस उससे क्लियर होगा कि हम मस्ट का यूज कहाँ करते हैं, हम शुड का यूज कहाँ करते हैं और हम ऑट टू का यूज कहाँ करते हैं. तो इसने कहा है आई मस्ट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए ही चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है. टू टीच इंग्लिश ऑनलाइन, अगर मुझे इंग्लिश को ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन मीडियम में पढ़ाना है तो आई मस्ट हैव अ कंप्यूटर, कि मेरे पास एक कंप्यूटर तो होना ही चाहिए. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच. तो आइए देखिए मोडाल्स के केस में हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो वी विल राइट ही सेड That he said that, हमने आपको बताया he said that he had to, अब देखिए हमने had to have क्यों लगाया है, देखिए आप he said सेम था, हमने he said लिख दिया. अब आपको बताया था हमारा जो डबल इन्वर्टेड कोमा है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा That में, कि said के बाद हमेशा indirect speech में क्या आता है. आपको मैंने rule बताया है previous video में indirect speech का, कि जब भी हमारा said आएगा उस said के साथ हम that का use जरूर करेंगे in the indirect speech. So he said that. अब बात फिर यहाँ पर आई, अब आपको बताया था प्रोनाउन भी हमारा चेंज होता है. जब मैं बात कर रही हूँ आई मस्ट हैव, कि मेरे पास होना चाहिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ उस टाइम ही सेड, उसने कहा कि उसके पास होना चाहिए, वो अपनी बात कर रहा था इसलिए उसने आई का यूज किया. लेकिन अब मैं बता रही हूँ ही सेड दैट, कि उसने कहा, हमारा जो आई है विल बी चेंज्ड इनटू ही, आई हमारा चेंज होगा ही में, हमने प्रोनाउन चेंज करना है, मैंने आपको रूल में बताया है वी विल चेंज प्रोनाउन ऑल्सो. आई हमारा चेंज हो गया ही में. He must, अब आपको देखिए must हमारा एक modal है, आपको बताया है must देखिए किस में चेंज होता है, हमारा होता है had to में. must will always be changed into had to, तो हमने यहां must की जगह क्या लगाया, had to लगाया. He said that he had to, हो गया clear. आगे he had to have a computer to teach English online. अब अभी सेंटेंस को एक बार दोबारा देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. हमने लिखा he said हमने सेम लिख दिया. सबसे पहले बात आई इन्वर्टेड कोमा, कोमा हटाया, डबल इन्वर्टेड कोमा हटाया, साथ में क्या लगाया said के बाद आपको पता है हमेशा क्या लगता है that, और double inverted comma और single comma भी हमारा हट जाता है, वो indirect में नहीं आता. He said that, I pronoun है, change किया हमने he में, क्योंकि जब वो अपनी बात कर रहा था तो उसने I लगाया, जब मैं उसकी बात करूंगी तो मैं लगाऊंगी he. pronoun change किया must, must हमारा modal है, modal must ऊपर से देखा हमने किस में चेंज होता है, had to में चेंज होता है. must को हमने चेंज किया had to में, had to have a computer to teach English online full stop. हम इसके बाद inverted comma नहीं डालेंगे और हमारा sentence जो है full stop पे end हो जाएगा. I hope you guys have cleared this concept. आपको ये concept बहुत अच्छे से clear हो गया होगा. We'll take one more example. हम एक और example से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि modals में जब हम change करते हैं तो किस पे क्या effect पड़ता है. How we will change when हमारा केस जो होता है मोडाल का होता है. ही सेड आई माइट गो टू द सिनेमा, उसने कहा आई माइट गो टू द सिनेमा, कि वो शायद सिनेमा जाए. माइट में, माइट का डिफरेंस इससे पहले हम आपको वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है. ही माइट गो टू द सिनेमा, अब देखिए इसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले ही सेड सेम, सेड के बाद हमारा That, जो आपको भी बताया ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे. आई, उसने कहा था कि आई अपनी बात कर रहा था, आई विल बी चेंज्ड इनटू ही, आई चेंज हो जाएगा ही में. क्यों ही क्यों लगाया हमने, शी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि
ही सेड, हमें पता है वहां पर कि वो एक मेल की बात कर रहे हैं, नॉट अ फीमेल. अगर यहां होता शी सेड, देन आई वुड हैव यूज, मैंने यूज किया होता शी सेड दैट शी माइट. मैं यहां पर भी शी लगाती क्योंकि मुझे पता है कि वो एक फीमेल है, फीमेल की बात की जा रही है. अगर जो यहां होगा वही यहां पर आएगा. आई हमारा चेंज हो गया शी में, शी माइट, माइट हमारा किस में चेंज होगा, आपको भी बताया मैंने, माइट हमारा चेंज नहीं होगा, माइट हमारा माइट में ही रहेगा. तो माइट को हमने चेंज नहीं किया, माइट को हमने माइट ही रहने दिया. शी माइट गो टू द सिनेमा, फुल स्टॉप. She said that she might go to the cinema. अभी आपको मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है चेंज हो. Might ऐसा एक वर्ड है, ऐसा एक modal है जो कि indirect में और direct में सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता. So हमने आपको might वाला example भी बताया कि might को हमने चेंज नहीं किया, might will be same in direct as well as indirect speech. Third आता है हमारा direct speech का, एक और example देखते हैं. He said I can teach English online. उसने कहा कि मैं English को online पढ़ा सकता हूँ. I can teach. वही बात आती है, can could का difference आपको पहले clear हो चुका है previous videos में. तो can कहाँ लगता है और could कहाँ लगता है. उसने कहा I can teach English online, कि मैं English को online पढ़ा सकता हूँ. अब इसे indirect में convert करते हैं. देखिए, he said that आपको पता है said के बाद हमेशा that लगता है हमारा. I हमारा किस में चेंज होगा, he said that he, I का आपको बताया क्योंकि he था स्टार्टिंग में और हमारा वो अपनी बात कर रहा था इसलिए उसने I का यूज किया था. लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, he said that he, that हमने यहां लगा दिया था, I की जगह हमारा he आ गया. can देखिए, अब कैन ऊपर से आप देखेंगे हमारा किस में चेंज हो रहा है, कैन हमारा चेंज हो रहा है कुड में. तो हम करेंगे ही सेड दैट ही कुड, ही कुड, कैन भी चेंज हो गया, रेस्ट विल बी द सेम. ही कुड टीच इंग्लिश ऑनलाइन, कि वो ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा सकता है. ही कुड टीच इंग्लिश ऑनलाइन. तो आई होप modals के केस में आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करना है आपको ये इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा. विल कम टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज ऑफ एडवाइस. अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में कोई एडवाइस दी जाती है, सपोज हमें कोई कहता है कि आप ये कर लीजिए, प्लीज डू दैट, आपको एडवाइस दी है, साथ में modal का यूज किया जा रहा है, सॉरी modal का नहीं, एडवाइस दी जा रही है डायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच में जब भी कोई एडवाइस दी जाती है, कोई सलाह दिया जाता है, कोई सलाह दी जाती है हमें, तब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं. एडवाइस की जब भी बात, कोई हमें एडवाइस दे रहा है, हम एडवाइस दे रहे हैं उसमें नहीं, लेकिन जब कोई हमें एडवाइस कर रहा है तब हम उस चीज को, अगर किसी ने कहा कि आप ये कर लीजिए, तो अगर मैं किसी और को बता रही हूं, मैं एक थर्ड पर्सन को बता रही हूं कि उसने मुझे इस तरीके से कहा, उसने मुझे ये कहा, तो मैं उस थर्ड पर्सन को किस तरीके से इनडायरेक्टली बताऊंगी उस इंसान का डायरेक्ट स्पीच जो है. तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सेड जब भी होता है, इसमें एक रूल है कि सेड जब भी होता है, हमारा जो वर्ड होता है सेड जो हम इनमें लगाते हैं, ही सेड, और डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी जो सेड वर्ड लगाते हैं हम, उसको हम सेड को हम चेंज करते हैं, सेड को कन्वर्ट कर देते हैं हम एडवाइज्ड में या फिर सजेस्टेड में. उसको हम, क्योंकि एडवाइस दी जा रही है, कोई सलाह दिया जा रहा है हमें, कोई मशवरा दिया जा रहा है, तो हम उस सेड को नहीं लगाएंगे. उसने कहा नहीं, उसने हमें सलाह दी, उसने हमें मशवरा दिया. हम इसमें सेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें वो बात किसी ने कही थी, सामने वाले पर्सन ने हमें वो बात कही, इसलिए हमने कहा सेड, ही सेड, उसने कहा. लेकिन जब बात हम करते हैं एडवाइस की, तो एडवाइस में हम सेड नहीं लगाते. हमारा सेड किस में कन्वर्ट होता है, या तो सजेस्टेड में या फिर एडवाइज्ड में, कि ही एडवाइज्ड मी, ही सजेस्टेड मी टू डू दैट, He suggested me to put off his shoes या put off his clothes, कुछ भी लगा सकते हैं. Example से समझते हैं और clearly समझ आएगा आपको.
I said to him, मैंने उससे कहा, put on your coat, तुम अपना कोट पहन लो, I said to him. अब डायरेक्ट में तो said आएगा, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो said नहीं आएगा, तो हमारा क्या आएगा, advised and suggested. तो हम इसे सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, देखिए, I said का हमने चेंज किया किसमें, advised में, I advised him to put on his coat, कि मैंने उसे सलाह दी, I advised him to put on his coat, कि वो अपना कोट पहन ले. अब यहां देखिए, your जो है हमारा वो convert हुआ to put on his coat, हमारा pronoun change हुआ, your जो है हमारा his में convert हो गया, क्योंकि जब उसने कहा था I said to him put on your coat, कि तुम अपना कोट पहन लो, तो मैंने बताया कि मैंने उसे कहा कि वो उसका कोट पहन ले, to put on his coat. अब मैंने सीधा उसे कहा तो कहा कि तुम अपना कोट पहन लो, लेकिन अगर मैं किसी और को बता रही हूँ कि मैंने उसे ये सलाह दी, तो मैं कहूँगी कि I advised him to put on his coat, कि वो अपना कोट पहन ले. तो I hope आपको advice वाला concept भी clear हो गया होगा. Third will come with interrogative sentences. जब भी बात हमारी interrogative sentences की आती है, तब जब हम direct को indirect में convert करने से पहले हमारे पास कुछ rules हैं जिन्हें हम follow करते हैं जब भी हम direct को indirect में convert करते हैं when we have an interrogative sentence. तो आइए एग्जांपल देखते हैं और एक कुछ रूल्स देखते हैं. डोंट यूज दैट, इंटरोगेटिव जब भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो हम उसमें दैट का यूज नहीं करते. वी कैन नॉट यूज वर्ड दैट, हम दैट का यूज नहीं करते हैं जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं. सेकंड देखिए, हमें पता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन मार्क हो. जब हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तब हम जो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो हमारा इंटरोगेटिव की एक पहचान है, एक निशानी है. लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में और सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, तब हम उसमें इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं. वी कैन नॉट यूज क्वेश्चन मार्क, वी विल रिमूव द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम आर इंटरोगेटिव स्पीच. थर्ड थिंग आती है, सेड को जब भी हम इंटरोगेटिव की बात आती है तो सेड को हम नहीं लिखते, सेड को हम कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे हमने एडवाइस वाले में कन्वर्ट किया था, सेड को हमने कन्वर्ट किया था एडवाइज्ड में एंड सजेस्टेड में. तो यहां पर हम सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, वी विल कन्वर्ट सेड इनटू वांटेड टू नो, या तो हम लिख सकते हैं वांटेड टू नो, या हम लिखेंगे आस्क पूछना, या हम लिखेंगे वंडर्ड कि वो चीज पूछी, wondered. ठीक है, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो हम said की जगह पर यूज कर सकते हैं, कि she wanted to know, she asked, she wondered, या हम कुछ भी said की जगह पर, हम said यूज नहीं करेंगे इंटरोगेटिव के केस में. अब फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ रूल देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई भी हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो स्टार्ट हो रहा है कुछ वर्ड से, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, वट या when या where या why या who, इनमें से किसी भी वर्ड से अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो रही है तो वो इनडायरेक्ट में भी उसी से स्टार्ट होगी, इनडायरेक्ट में वो चेंज नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट में भी उसी वर्ड से ही स्टार्ट होगी. WH फैमिली से अगर स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में इट विल बी द सेम, इनडायरेक्ट में भी वो सेम में होगी, वो चेंज नहीं होगी, वी कैन नॉट चेंज दैट. नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब. इसमें जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है तब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होता है इफ, एक होता है हमारा वेदर. इफ या फिर वेदर हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ सिंपल एग्जाम्पल. ही सेड वेयर हैव यू बिन, उसने कहा कि तुम कहां थे, वेयर हैव यू बिन, तुम कहां थे. हमने इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, देखिए
आपको अभी मैंने बताया कि हम said को direct जब में लिखते हैं, indirect में हम said नहीं लगाते, तो we'll say he asked, said will be converted into asked. आपको बताया wanted to know या asked या wondered हम लगा सकते हैं, हम यहाँ पे asked भी लिख सकते हैं कि उसने पूछा, asked, ठीक है. He asked, said की जगह क्या आ गया हमारा, asked. इसमें आपको मैंने अभी बताया था कि डायरेक्ट अगर सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम दैट का यूज नहीं करते, क्योंकि सेड नहीं हो रहा तो दैट कैसे होगा. तो हम यहाँ पर आस्ड दैट भी नहीं लगाएंगे. हमारा जो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये जो ये हमारे सेम रहेंगे. वेयर हमारा डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा सेंटेंस है डब्ल्यू एच से है, तो वो भी डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा. इनडायरेक्ट में तो वेयर है, तो हमारा वेयर ही रहेगा, वी विल नॉट चेंज दैट. तो वेयर हैव यू बिन, वेयर हैव यू बिन, हैव यू, अब हैव यू आया है, लेकिन हम इसे आगे, अब जैसे हैव आगे है यू पीछे, लेकिन हम इसे पीछे आगे नहीं रखेंगे, हम चेंज करेंगे. हमारा जो यू है वो आई में कन्वर्ट होगा, हैव हमारा हैव ही रहेगा. क्यों यू हमारा आई में क्यों कन्वर्ट हुआ, ही सेड वेयर हैव यू बिन, उसने कहा कि तुम कहां थे. He asked, अब मैं बता रही हूं उसने पूछा where I have been. अब उसने मुझसे पूछा था, किसी पर्सन ने मुझसे पूछा कि where have you been, तुम कहां थे. लेकिन अब मैंने किसी और को बताया कि उसने मुझसे ऐसा पूछा कि मैं कहां थी, where I have been. तो हमारी पोजीशन चेंज होंगी, हैव हमारा सेम रहेगा, बट यू हमारा चेंज होके आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि तब मैं किसी और की बात कर रही थी, यू था, लेकिन अब मैं अपने बारे में बता रही हूं सामने वाले पर्सन को कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहां पर थी, तो आई विल यूज आई इंस्टेड ऑफ यू. यहां पर मैं आई यूज करूंगी, आई हैव बिन, आई हैव बिन. He said, where have you been? I asked, where I have been. कि मैं कहां पर थी, उसने मुझसे ये पूछा. I hope you guys will, you know, get to clear this concept. अब आप एक example और देखते हैं. I said to my teacher. मैंने अपनी teacher से कहा. I said to my teacher. Said मतलब कहा, मैंने अपनी teacher से कहा. Can he teach me? क्या वो मुझे पढ़ा सकती हैं? पढ़ा सकते हैं. कैन ही टीच मी, ही है, शी नहीं है, कैन ही टीच मी, कि क्या वो मुझे पढ़ा सकते हैं. आई सेड टू माई टीचर, अब मैं किसी और को बता रही हूं, मैंने सीधा सर को नहीं कहा. सर, अगर मैं सर को कहती तो मैं बोलती कैन यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने ये बात किसी और को कही कि कैन ही टीच मी, कि क्या वो मुझे पढ़ा सकते हैं. अब हम चेंज करेंगे इसे, किया हमने आई हमारा एज इट इज रहा, सेड को हमने कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड में, दैट हमने लगाया नहीं, टू हम नहीं लिखते हैं, माई हमारा सेम रहा, आपको बताया था माई हमारा सेम रहेगा. आई सेड, आई आस्क्ड माई टीचर, मैंने अपने टीचर से पूछा कैन ही टीच मी. अब आपको बताया था मैंने, अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं हो रही है तो हमारा यूज होते हैं इफ और वेदर. अब यहाँ आप देखिए, यहाँ हम इफ का यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारी सेंटेंस की सेंस ही चेंज हो रही है. आई आस्क्ड माय टीचर, इफ नहीं आएगा, यहां पर आएगा वेदर, कि क्या वो मुझे पढ़ा सकते हैं. वेदर इफ कहीं और लगता है, इफ यहां पर हमारा नहीं आ रहा है, सुटेबल नहीं है, तो यहां पर आएगा हमारा वेदर. आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद अंडरस्टूड करनी है, कुछ चीजें आपको खुद अपनी कॉमन सेंस का यूज करके भी लगानी होती है कि इफ आएगा या वेदर आएगा, सेंस बननी चाहिए हमारे सेंटेंस की. वेदर ही हमारा सेम रहा, वेदर कैन हमारा चेंज हो गया किसमें, कुड में, कैन हमारा चेंज हुआ, कैन ही कुड टीच मी, कि मैंने अपने टीचर से पूछा वेदर ही कुड टीच मी, कि क्या वो मुझे पढ़ा सकते हैं. फोर्थ रूल देखिए, यूनिवर्सल फैक्ट की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमारा यूनिवर्सल फैक्ट होता है, यानी कि जो चीज पहले से ही डिस्टाइंड है, पहले से ही फिक्स्ड है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा. रिपोर्टेड स्पीच में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा. हमारा एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट. टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन जो है वो हमेशा ईस्ट में उगता है, राइज करता है. अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे द टीचर
आपको बताया कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल हम दैट लगा दें. द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है. इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना, रिपोर्टेड स्पीच में हम सेम रखेंगे, वहां कोई चेंज नहीं कर सकते हम. सो दिस इज इट फॉर द डे. यूनिवर्सल फैक्ट आपको बताया मैंने, मोडाल्स का यूज, एडवाइस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, एंड जब भी यूनिवर्सल फैक्ट की बात होती है ये हम तब यूज करते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ टेंसेज. जब हमारे टेंसेज की बात आती है तब हम क्या क्या यूज करते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन आर नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट, डू शेयर इट. So till then, thank you so much. Have a good day ahead.